जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 हो रहे हैं, 4:15 हुए थे थोड़ी देर पहले, 4:30 हो गए हैं अभी। और आज मेरे व्रत है। सबसे पहले आपको सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। भगवान भोले शंकर आपके सभी दुखों को दूर करें। और अभी अभी का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, और क्या बनाना है आज वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ। लाइट रात होने, और आज हनी के पापा काम पर गए थे और बारिश लगी। ये देखो मैं यहाँ पे ना ये लिप रही हूँ चूल्हा, क्योंकि किसी भी अच्छे उसमें तो ये चूल्हे की लिपाई बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हनी के पापा गए थे काम पे, बारिश लगी और फिर आ गए, और फिर आ गए थे कोई 12 बजे, है ना। और 12 बजे आने के बाद फिर ये सो गए थे। तो ये देखो यहाँ पे अभी ये खा रहे हैं खाना 4:30। ये कौन सा टाइम है खाना खाने का, क्योंकि इनको इनको नींद आ गई और फिर इनको भूख लगी है, अब तो उठ के ना ये खाना खा रहे हैं। तो मैंने काम बांट दिया अभी कि किसको क्या क्या करना है। ठीक है, शानू भी खा रहा है यहाँ पे खाना, वो देखो परे बैठा है। तो मैंने काम बांट दी यहाँ पे कि मैं जाऊंगी गोइनी, वहां पे मुझे गाय दूनी है। मैंने 2 वीडियो शूट करी, और मेरे को पता क्या बोलते हैं मेरे घर वाले कि आपने किया ही क्या, तुम करते ही क्या हो इतना सारा काम करने के बाद भी, मतलब जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना वो काम नहीं है इनके लिए, बोलते तुम भी तो बैठी थी। चलो ये मजाक होता रहता है। तो हनी लेके जाएगा सूखा घास, ठीक है, हरा घास नहीं काटा जाएगा क्योंकि आज बारिश बहुत ज्यादा है। और मैं जो हूँ मैं जाऊंगी खाली, क्योंकि मैं वजन नहीं उठा सकती, इसलिए मैं खाली जाऊंगी। और हनी के पापा बनाएंगे यहाँ पे दाल चावल जो भी है, थोड़ा सा मेरे व्रत है मेरे ही और किसी के नहीं है, फिर मैं फुल के आके बना दूंगी। अगर इन्होंने बनाने होंगे तो बना सकते हैं, क्योंकि पार मुझे बहुत काम है, गोबर चिकड़ वगैरह उठाना और गाय धोना, गाय दूध देना, थोड़ा सा घास लूंगी अगर लिया जाएगा हरा, अदरवाइज बारिश के नहीं लिया जाता। ठीक है, तो अभी हम लीप लेते हैं चूल्हा, फिर हम निकल जाएंगे काउशेड को, और हनी की ड्यूटी लगा दी है, वो जाएगा सूखा घास लाने, और ये बनाएंगे यहाँ पे खाना। तो मैं चल पड़ी हूँ अपने ग्वाइनी को, और पार जाके ना घास भी काटती हूँ थोड़ा सा, और गाय भी दूधती हूँ। ओ शिट, कुछ भूल गया मैं, अब नहीं हट सकती, छोड़ अब नहीं हटना, मैंने लेट हो जाऊंगी मैं नहीं तो। तो पार घास भी काटूंगी, और व्रत है और खड़े नहीं हुआ जाता व्रत में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने बोला कि मैं नीचे देख रही हूँ, मैं रास्ता देख रही हूँ, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखो तो खड़े नहीं हो जाता व्रत में, लेकिन व्रत में क्यों करने पड़ते हैं काम, ऐसा ही होता है गांव में, मेरे साथ नहीं होता, सभी औरतें काम करती हैं, व्रत हो चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, लेकिन काम तो करना पड़ता है भाई। आज तो फिर भी काम बांट दिए हैं, चलो हनी के पापा खाना बना देंगे, फिर मैं पार का काम करके जो है फिर मैं आ जाऊंगी घर को, और फिर आके ना मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो सुबह से मतलब काम कर, आज तो बारिश थी, लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ता है चाहे बारिश हो। अब तो बारिश के हम घास को नहीं जाते, पहले हम बारिश के घास को जाते थे, भूखे प्यासे मतलब जो मर्जी हो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब अपनी वो है ना, अपनी सरकार है, अब जो मतलब अपना ही है जो भी है, घाटा बाधा क्या बोलते हैं जिसको, अपने आप ही करना है कुछ भी करना है। पहले भाई भूखे प्यासे होते थे, पूरा पूरा दिन काम को चले रहते थे, तो व्रत में भी अब ऐसा नहीं है। तो चलो दिखाती हूँ आगे का कुछ व्यू जो मैं रोज़ दिखाती हूँ आपको, और अच्छा लगता है दिखाना और देखना भी। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूँ कि ना देखो मक्की कितनी अच्छी हुई है पीछे, मैंने ना गले की चेन खोल दी है, मेरे गर्दन में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, और दर्द हो जाती है मेरे बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल की तो बाजुओं से क्या काम कर पाऊँगी मैं बताओ, बस ऐसा ही है, हिम्मत नहीं आ रही है फिर भी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है अभी, बहुत जिम्मेवारियाँ हैं मेरे सिर के ऊपर, तो मुझे वो निभानी है। और हंसते हुए रोते हुए नहीं, हंसते हुए मैं टाइटल थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिया करूँगी अब, ठीक है, जैसे कुछ भी सच्ची बोल रही हूँ, वीडियो में भी वही हुआ करेगा, ऐसा नहीं होगा कि टाइटल में होगा जो वो वीडियो में नहीं होगा, वीडियो में भी वही चीज़ मिलेगी आपको। देखो घास तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बारिश होगी, पता है ज़्यादा बारिश होने से भी ना चीज़ जो ग्रोथ होती है घास की या किसी चीज़ की वो ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे तो भाई पैर रखना मुश्किल है, ये इतना फिसलन वाला हो गया ना ये चीज़।
था हमारा किचन गार्डन का, कुछ सड़ गए। पता है ज़्यादा बारिश होती है ना, हाँ बोलना होगा तो इसके, तो ज़्यादा अगर बारिश होती है ना ज़्यादा, तो भी जो है ये ख़राब हो जाते हैं फसल जो भी है, फिर यानी उनको स्प्रे करनी पड़ती है। और स्प्रे वो लोग रखते हैं जो ज़्यादा सब्जियाँ लगाते हैं, हम तो स्प्रे रखते नहीं, लगाते ही नहीं। और ये नीचे सेज है हमारी, इसको लगा दिया, अब इसको बराबर कर दिया, फिर और ऊपर से पड़ती रहेगी तो सेज को बराबर करते रहेंगे। एक बेल यहाँ पे हमारी लग रहे हैं, सड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और हनी अभी ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है आज से, इसने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो ये ना शुरू कर रहा है ब्लॉगिंग। और ऐसे ही कुछ बोल रहा था कि मन नहीं करता, इस तरह से कुछ हो जाता है बच्चों को, पता नहीं क्या होता है भाई। कर रहा है ना हनी ब्लॉगिंग शुरू, कर रहा है ना वीडियो शुरू कर रहा हूँ आज से। हाँ सॉरी बोल दे, कितना वेट करते हैं लोग वीडियो का कि हनी ने वीडियो देखो, इधर देखो। और अब ये बिल्ली और इसके तीन बिल्लू हैं हमारे पास। हेलो चिंकी, ये आ गई, अब दूध का टाइम है ना। और इसके मैं छोटे छोटे तीन चिंकू दिखाती हूँ आपको, उनके नाम रखे इना मीना डीका रखेंगे उनके नाम, इना मीना डीका। हाँ दे पहले भाई, वो भागे 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 तीनों भागे, इधर आओ भागे, वो देखो भाग जाते हैं। आज 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 कितने क्यूट है तीनों, देखो ना ऊपर छुप जाते हैं कि हमारे को पकड़े, नहीं पकड़ेगा तुम्हारे को कोई नहीं पकड़ेगा, आज दिख 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 कैसे छुप रहे। और ये नहीं भाग रहा, इसने सोच लिया कि मैं तो डर 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 इतना है। देख कितने प्यारे हैं, देख कितने सुंदर, देख तो कितने सुंदर है। और अभी ना हम इनको दूध देंगे, ये देखो आ गए अपने बच्चों के पास, ये देखो अब तीनों आ जाएंगे इसके पास ना, ये काफी देर से नहीं इनके पास है। नहीं ये देखो ना ना थी इतनी सुबह पैग तो थे पर बुंदे नहीं, दूध पीना ना बताए इनको, तीनों को दूध देते हैं हम, चारों को, तीन ये है और एक बिल्ली है, देखो कैसे चाट रही है, अभी काफी देर बाद आए ना, देखो माँ का प्यार है। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे। अब देखो दूध ढूंढ रहे हैं, इनकी कॉलनी यहाँ पे रखी हुई है। आ, आ। और मेरे ख्याल में आज ना वीडियो का सबसे प्यारा पार्ट यही होगा मेरे ख्याल से, ये देखो काफी देर बाद आई, यहाँ पे नहीं थी ये, देखो अब दूध दूध के लिए बोल रहे हैं इसको, दूध के लिए। देखो दूध के लिए बोल रहे हैं इसको, अब इसको बेचारे को दूध नहीं देगा कोई, नहीं तो कहाँ से पिलाएगा अपने बच्चों को दूध, है ना, लगे इनको दूध पिलाने। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे घास काटने लगी थी, और क्योंकि आज ऐसा होता है ना भाई जब खाना बन जाएगा तो फिर आराम से हम काम कर सकते हैं, पर बारिश लगने वाली थी और हनी यहाँ पे शूट कर रहा था। ये खेत में ना सारा घास साफ करना पड़ेगा, जो छोटा छोटा घास है ना इसको साफ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा काटा था मैंने और फिर हम निकल गए थे घर को। जब यही हो जाएगा ना रैन बसेरा तो फिर तब ऐसा रहेगा, चलो ऊपर अपने सब्जी भी डाली, दाल भी डाली। तो चलिए अभी मैं आपको घर में मिलती हूँ, एक भेंट सुनाऊंगी आपको, नहीं भजन जन। जय माता दी, राम राम, ओम नमः शिवाय, कैसे हैं आप सभी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ धूप बत्ती करने। तो मैं गई थी ग्वाइनी और रानी के पापा ने बनाया खाना, तो दिखाते हैं आपको क्या क्या खाना बनाया है इन्होंने, और मुझे नहीं पता क्या बनाया है, मैं धूप बत्ती करने जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इन्होंने क्या बनाया है व्रत का खाना। अरे मैं भूखी प्यासी गई थी काम करने, तो ऐसी रहती है गैस की हालत। आज इन्होंने क्या बनाया है, मूंगी की दाल है, मूंगी माँ भी पाउरे बिचे उड़द भी है बीच में शायद, ये यहाँ पे चावल है। तो चलो अभी चलते हैं, पहले फिर आके खाते हैं नीचे धूप करने के, ये चाबी, और आज कुछ प्रार्थना भी करेंगे भगवान भोलेनाथ से। बड़ी बड़ी चाबी यही है ये, हाँ ये वे दूजी नहीं थे दूजी के लोग में, ये पता नहीं चलो सब नशीब बोले तेरे तला, वो आपको बोलेगा मैं तो छू यहाँ बनी। अरे ये वो चप्पल तो बिल्कुल बेकार ही है, पानी तो एक की चप्पली दो तरह की चप्पलें, और देखो आसमान कितना सुंदर लग रहा है, नीला नीला है ना। अरे ये सीन तो देखने काबिल है, ये आसमान है देखो सारा। मैं आपको ना ये लगी थी दिखाने चप्पल, तो एक एक की दोनों की गायब हो गई है, एक एक की है, देखो कितना प्यारा आ रहा है ना।
अरे वाह, मैं पता क्या सोच रही थी, मैं जैसे ऐसे घूमी ना, मैंने कहा पीछे दीवार नीली नीली कैसी होगी, मैं इसको सोच रही थी। और वो देखो, मैं क्या बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ, व्रत भी था। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ आप सभी के दुखों को दूर करे, यही प्रार्थना करती हूँ मंदिर में बैठ के। और अभी मैं आपको भोले बाबा का एक प्यारा सा गाना सुनाऊंगी, तो चलिए सुन लेते हैं। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको एक छोटा सा शिव का भजन। ओ शिव मेरे भोले, अखियां खोले गोरा तेरे सामने खड़ी। ओ शिव मेरे भोले, अखियां खोले गोरा तेरे सामने खड़ी। शिव मेरे भोले, अखियां खोले गोरा तेरे सामने खड़ी। ओ शिव मेरे भोले, अखियां खोले गोरा तेरे सामने खड़ी। अखियां नहीं खोलोगे तो मैं समाऊंगी। ओ शिव मेरे